सब्जियों में बहुत से विटामिन्स और मिनरल पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। यदि डेली आप वेज सूप पीते हैं तो कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेज मंचाओ सूप, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। ये मंचाओ सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी बनता है। इसको बनाने का एकदम आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई गैस के ऊपर रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 2 इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। हल्का सा हम इनको रोस्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स आप इसमें अपनी मनपसंद की ऐड कर सकते हैं। सब्जियां आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना आपको सूप बनाना है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। और 1 चम्मच ही हम इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे। और 1 चम्मच इसमें चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच टमाटो सॉस। और अब हम इसके अंदर 3 कप पानी ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इस पेस्ट को हम इसमें डालेंगे ताकि सूप हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। कॉर्नफ्लोर का पेस्ट डालते ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसको लगातार चलाना है ताकि कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी सी हम इसके अंदर चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। सूप आपको कितना स्पाइसी रखना है उसी हिसाब से आप लोग मिर्च ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और लास्ट में हम इसमें फिर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। तो ये लीजिए, वेज मंचाओ सूप हमारा बनके रेडी है। कितना स्पाइसी और टेस्टी वेज मंचाओ सूप बनकर रेडी हुआ है। जब भी आप लोगों को कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इस सूप को आप जरूर ट्राई करें। फटाफट से हम इसको गर्म गर्म सर्व कर लेंगे।
सर्व करते समय हम इसमें डालेंगे थोड़े से नूडल, जिनको मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था। तो ये लीजिए वेज मनचाओ सूप, मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।